मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया, हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। गुरु प्यारे कल जिहड़ी आपां विचार कीती सी ओह असीं 33वीं पौड़ी ते समाप्त कीती सी, तो उहदे विच जो दो पौड़ियां आखरी सन जिहदे विच सतगुरु जी ने सानूं उपदेश दित्ता सी ए रसना तों अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए, ते 33वीं पौड़ी सी ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तां तू जग मैं आया। जिहड़ी 32वीं पौड़ी सी उहदे विच सतगुरु जी ने सानूं जो उपदेश दित्ता सी ओह इह सी कि हे भाई, क्योंकि उन्होंने रसना की गल की है, रसना दे नाल उन्होंने इस जगत दे रसां दी गल की है, समझा सानू ये रहे हैं कि अंदर तेरे जो प्यास है ना वो एक सदीवी प्यास है, वो कभी खत्म नहीं होती, पर असी उस सदीवी प्यास नू बुझाउण दे वास्ते असी थोड़ चिरे स्वाद जड़े ने रस ने उन्होंने लै लैके वह एक बड़ी लंबी प्यास सदीवी प्यास जड़ी है उन्हों असी बुझाउण दे जतन कर रहे हैं। तो हुंदा की है कि थोड़ी देर लई तां साडी प्यास मिट जाती है, पर थोड़ी देर पिछों फिर उत्थे ही पहुंच जाते हैं। जे सदीवी प्यास मिटाउणी है तो फिर सदीवी साधन भी चाहीदा है। इस करके सतगुरु जी ने कहा कि प्यास न जाए होरत कित है जिचर हर रस पल ना पाए। जिहड़ी प्यास उस प्रभु नालों विछोड़े दे नाल पैदा हुई है वह जदों तक उस हरी दे नाल जुड़न का रस नहीं मिलता उदों तक वह प्यास किवें खत्म होए। तो सतगुरु कहते हैं कि जे इस ढंग नाल प्यास नूं मिटा लवांगे तो फिर बहुत ना तृष्णा लागे आए, फिर भटकना जिहड़ी है वह खत्म हो जाएगी, थोड़े चिरे जतन नाल वह भटकना खत्म नहीं हो सकती। तो फिर सतगुरु जी ने अखीर ते सानूं समझाया सी होर अनरस सब विसरे जां हर वसै मन आए। जदों प्रभु दे नाल मिलाप हो गया, मन दे विच वस गया, उहदी हजूरी विच साडा जीवन बतीत होना शुरू हो गया, तो फिर बाकी सारियां प्यासां जिहड़ियां ने छोटियां छोटियां प्यासां जिहड़ियां ने वह सारियां विसर जाणगियां, उहनां दा सानूं याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि जदों एक बारी तृप्ति हो जाए तो फिर होर किसी स्वाद की लोड़ नहीं रह जाती। तो फिर सवाल यह पैदा होया कि जे सानूं अपने अंदर जो है हर रस चाहिदा है तो फिर इहनूं लभीए कित्थों, कि यह हर रस कित बाहरों लभना है। सतगुरु जी अगली पौड़ी दे विच समझा रहे हैं ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मैं आया, और जिहदे नाल मिलाप दे नाल जिहदे नाल तेरे मन दे विच वसन दे नाल सतगुरु कह रहे हैं हर वसा मन आए वह हरी, उन्हें तो अपनी जोत तेरे अंदर ही रख दिती है, इहदे बारे कोई शक दी गल नहीं, तां तूं जग में आया अदरवाइज तो आ ही नहीं सी सकदा। तो फिर सवाल पैदा हो गया कि भी जे अंदर ही वह बैठा है, वह जोत साडे अंदर ही है, उहदी प्राप्ति दे नाल ही साडी सारी प्यास मिटनी है, तो फिर कीता की जावे। हुण सतगुरु जी कह रहे हैं कि वह अंदर तेरे बैठा है, जुड़ना तेनों उहदे नाल चाहीदा सी, साडे माता पिता वह नहीं जिन्होंने सानू शरीरक रूप दे विच जन्म दिता है, साडा माता पिता तो वह है जिन्हें साडे माता पिता नू
ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਓ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਜੋ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਥਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਗਤ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸੀ, ਅਸਲ ਖੇਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਜਗਤ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭਾਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਮੰਗਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸੁਭਾਗ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ,
स्पष्ट दर्शन हो गए उस प्रभु दे, वो जिवें इदां लगदा कि नाल ही बैठा मेरे मेरे कोल ही है, उहदी हजूरी दा जीवन हो जांदा। अनत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, यह अवस्था है अनहत बाणी। अनहत दे जिहड़े डेफिनेशन दित्तियां जांदियां उहनां दे भुलेखे च ना पईए, सिर्फ इन्ना ही लईए कि जिवें बाकी साउंडस ने उहनां दा एक बिगनिंग भी हुंदी है एंड भी हुंदी। अनहत बाणी ओ प्रभु दी सिफत सलाह दी बाणी जिहदा ना आद है ना अंत है, लगातार एक रस अंदर वजनी शुरू हो जांदी है। गुरु की सिक्ख्या नूं समझ के अपना के उहदे नाल सांझ पा के यह अवस्था आती है, तो उस प्रभु के साथ दा हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभाप मिलिया करन कारण जगो। तो यह सतगुरु जी ने डिस्क्राइब तो जे आप पहली नज़र न देखिए तो एक ऐसी अवस्था को डिस्क्राइब किया है जिदे च एक व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति हो गई होवे, हिरदे च आके वह अकाल पुरख वस गया होवे। पर जिहड़ी निशानियां नाल सतगुरु जी ने दस दित्तियां वो साढ़े वास्ते एक कसवटी हैं कि असी आपो अपने हिरदे दे विच झाती मारीए कि की साड़ियां ये अवस्थावां बनिया हैं नहीं बनिया। तो फिर स्पष्ट हुक्म है कि भाई हुण फिर अगे दी गल सुनो कि हुण आपां करना की है, अपने आप नूं किस तरह मॉडिफाई करना है, किस तरह अगे चलना है। एक बारी फिर हुण अंतले पड़ा ते आपां पहुंच चुके हैं, तो सतगुरु जी फिर एक बारी जिवें एक सियाणा अध्यापक जदों अपना लैक्चर खत्म करन लगदा ना, तां अखीर ते एक बारी फिर उह समराइज करके सानूं समझा के ते फिर अपनी गल खत्म करदा। ते हुण सतगुरु जी ने अज जिहड़ी आपां विचार करनी है 35, 36, 37, 38 इह पौड़ियां दे विच सतगुरु जी ने एक सारा उपदेश समझ लई है कि कुजे दे विच समुंदर जिवें कर रहा हुंदा है। एक बारी फिर सानूं प्रेरणा दे रहे हन कि भाई गुरु दी शरण दे विच पै, गुरु दा उपदेश ग्रहण कर, अपने जीवन नूं उहदे उत्ते ढाल। ते इही एक रस्ता है, गुरु की शरण पै जा ढै पै, ते इही एक रस्ता है उस प्रभु मिलाप दा, उहदे आनंद की प्राप्ति दा, उहदे मिलाप दे आनंद की प्राप्ति दा। तो आओ जो 35वीं पौड़ी है आपां उहदा एक बारी पाठ कर लईए जी। है तां इह चारों पौड़ियां जिहड़ियां हन इकट्ठी ही विचार इहदी होनी चाहीदी, पर चार दे नाल फिर वो सानू एक एक कर लीए तो मैं लगता है कि समझन दे विच थोड़ी सौख्याई रहेगी। सतगुरु कह रहे हैं ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद करम कमाया, के करम कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कह नानक ए शरीर परवान होवा जिन सतगुर सिओ चित लाया। इन पौड़ियां दे विच पहलियां तीन पौड़ियां दे विच सतगुरु जी ने गल कीती है पहला शरीर दी, फिर नेत्रां दी, फिर श्रवणां कन्नां। तो पहली पौड़ी सतगुरु जी सानू समझा रहे हैं कि ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। तो केड़े कर्म कर रहे हैं, भाव जिहड़ा कर्म तू करना सी उह तां कीता नहीं, ते असी कर किहड़े रहे हां। असी जन्मां जन्मांतरां दे इस चक्कर दे विच पए होए हां, ते साडे बार बार जन्मां दे विच कर्म कर करके साडे संस्कार बन जांदे हन। आपां इउं समझ लईए कि साडी गड्डी चलण वास्ते जिवें लाइनां विच जांदियां हन, इहनां नूं संस्कार कह लईए कि भाई अगों वी जे असी कॉन्शियसली वह रस्ता नहीं बदलते तो फिर पुरानी ढर्रे उत्ते पुरानी लीह उत्ते ही असी चली जाते। हुण जे जन्म मरण के गेड़ दे विच असी सारे पए हुए हैं, जिहड़े पूर्वले कर्मां दीआं लाइनां बणीआं होईआं ने असी उहनां दे उत्ते ही चली जा रहे हैं, उसे ट्रैक ते ही चली जा रहे हैं। तो फिर साडे करन वाला असल काम ते उह ट्रैक नूं बदलना सी ना, ना कि उस ट्रैक दे उत्ते होर तेजी नाल होर चंगी तरह दौड़ना शुरू करन। लोड की सी कि गुरु की शरण दे विच पै के जो उस अकाल पुरख ने साडे कर्म लिखे सन कि भाई इस ढंग दे नाल उहदी कृपा कीती साडे उत्ते कि इस ढंग दे नाल तू अपने जीवन की जिहड़ी लाइन है वह बदल के गुरु के दसे रस्ते दे उत्ते चल के
इस जन्म मरण के गेट तो प्रभु मिलाप वाले रस्ते ते तुर सकता। तो सतगुरु जी कह रहे हैं कि तू आया ते कीता की काम कीता जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। उस प्रभु दे नाल तां तू जुड़िया नहीं जिन्हें तेरा रचन रचे, क्योंकि जदों तक असी उस प्रभु की मेहर दे पात्र नहीं बनते, गुरु की शरण दे विच नहीं जाते, गुरु के दिते उपदेश नूं उहदे अगे अपना आप गुरु के दिते उपदेश अगे अपना आप अर्पण करके अपना जीवन ओह जिहा नहीं बनाते, चित उत्थे नहीं लगाते, उदों तक सतगुरु कहिंदे हन कि इह गल बननी नहीं है, प्रभु मिलाप वाले रस्ते ते नहीं चलना। क्योंकि प्रभु मिलाप दे रस्ते ते तुरना है तां इह शरीर जो मिलिया है इहदी कदर कर, ते गुरु की शरण दे विच पै, गुरु प्रभु की कृपा का पात्र बन। वह जो पूर्वले कर्मां दे मुताबक जो अकाल पुरख ने सिस्टम बनाया है उसके मुताबक तो गुरु की शरण दे विच पै, ते गुरु के दसे रस्ते ते चल के गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाए। कह नानक ये शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। जे तू चाहुंदा है कि इस जन्म का कुछ फायदा होवे, तू उस प्रभु मिलाप वाले रस्ते ते तुरे, आनंद की प्राप्ति वाले रस्ते ते तुरे, इस जीवन नू सफल करें, तो फिर गुरु की शरण दे विच पैना पएगा, सतगुर स्यों चित लाया तक चलना पएगा, गुरु की सिख्या दे विच चित लगा, क्योंकि उस तो बिना गल नहीं बननी। ये जो जगत का तेरा गेड़ है ये इस तरह नहीं मुकना। असल काम करने वाला यही है कि भाई गुरु की शरण दे विच पै, गुरु के उपदेश उत्ते चल। तो कहन तो भाव है कि सतगुरु कह रहे हैं कि जे आनंद की प्राप्ति प्रभु मिलाप की प्राप्ति वाल चलना है, आनंद की प्राप्ति वाल चलना है, तो गुरु की शरण पै के उदे उपदेश नूं धारण करना है। यही इको एक रस्ता है, यही सतगुरु सानू इत्थे बार बार समझा रहे हैं। जिन्ना सतगुरु जी ने सानू इन्नी डिटेल दे समझाया उहदा तत् यही है, प्रेसी यही है कि गुरु की शरण दे विच पै जा, गुरु की शरण दे विच पै के गुरु के उपदेश उत्ते अपना जीवन बना लै, अपने जीवन दे विच उहदा उपदेश धारण कर लै, उहो जिहा बन जा जिहो जिहा गुरु तैनूं बना रहा है, ते फिर तेरे सारे काम हो जाणगे। हुण अगों सतगुरु दो उदाहरणां होर दे के, पहला शरीर की प्राप्ति जन्म मरण के गेट की गल हो गई, हुण सतगुरु कह रहे हैं नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जोत धरी, हर बिना वल ना देखो, हर बिने अवल ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवल ना कोई, कह नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव दृष्ट। सतगुरु कह रहे हैं अन्ना कौन हुंदा है, अन्ना वह हुंदा है कि जिन्हों वह ना दिसे जो होवे। तो हुण सतगुरु जी कह रहे हैं कि जगत दे विच ये नेत्र तैनू मिले हैं, इन्हां नेत्रां दे विच अकाल पुरख ने जोत रखी है, ये शक्ति रखी है कि वह देख सकन, पर किस वास्ते रखी सी कि इस जगत दे विच जीवन जिउंदिया होया उस हरि दे दर्शन किते जा, हर बिने अवल ना देखो क्योंकि जे हरि दे दर्शन सानू नहीं होए असीं कुछ होर ही देखते रहे, तो भाव यह कि साडी नजर भी माया दे विच रत्ती हुई है, असीं जगत दे विच प्रभु दे दर्शन नहीं कर रहे, कोई साडा आपणा है पराया है चंगा है माड़ा है दोस्त है दुश्मन है, सानू सब कुछ दिस रहे हैं पर उन्होंने अंदर प्रभु नहीं हो दिस रहा, दिसना तो चाहिए सी। ये जगत जो प्रभु का रूप है, ये विश संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है हर रूप नदरिया। इस पंक्ति की भी अपना डिस्कशन की सी, विस शब्द के दो अर्थ दो तीन बारी अपनी क्लास के डिस्कस हो चुके हैं कि विस का अर्थ विश्व भी किया जाता है कि संसार के अर्थां भी किया जाता है, तो विश का अर्थ जहर के रूप में भी किया जाता है,
गल चाहे कुछ भी है, सतगुरु कह रहे हैं कि जो भी है ये हर का रूप है, हर रूप नदरी है। जे अखा वह काम करन जिहड़े काम करन लई अकाल पुरख ने इन्हां विच शक्ति भरी सी, तो फिर ये दिसेगा कि ये जिहड़ा जगत है ये हरि दा रूप है, और ये हरि दा रूप ही दिसना शुरू हो जाएगा। पर ये किवें होवे कि असीं आपे कर लवांगे? सतगुरु कहिंदे हन गुर प्रसादी बुझिया, जां वेखा हर इक है हर बिन अवर न कोई। ਇਹ जो नजर है, ਇਹ दृष्टि जो है, ਉਹ प्राप्त ਕਿੱਥੋਂ होनी है? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਸਲ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਇਹ ਅੰਧੇ ਹੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਫਿਰ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਮਨ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸੱਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਣੋ ਸਤ ਮਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਟੂਲ ਹੀ ਹਨ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਸ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹ ਸੁਣੋ।
जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समानी सच अलख विडाणी ताकि गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो। पवित्र होवो भाव आनंद की प्राप्ति का रस्ता सतगुरु जी सानू इन्हों तिना पौड़ियों के दस रहे हैं। पहला उन्होंने सानू टुंबिया कि शरीर मिलिया भाई इहदा सही इस्तेमाल करो, अखां दा कन्नां दा सही इस्तेमाल करो, अखां नाल प्रभु दे दर्शन करो, कन्नां दे नाल उस प्रभु दे गुण गा सुनो, रसना दे नाल उहदे गुण गाओ। असल विच ये जो सब कुछ उपदेश है जिवें कि पहला आपां गल कीती है ये मन नूं ही उपदेश है, तब्दीली असीं मन दे विच ही लियाउणी है, ये शरीर दे अंगां दे विच तब्दीली नहीं लियाउणी। जदों तक मन दे विच बदलाव नहीं आता साड़ी वो समझ नहीं डिवेलप हो जाती कि असी इस जीवन दे विच अपने इस जीवन की जड़ा एक अमोलक सरमाया सानू अकाल पुरख ने दे के भेजा है उहदा असी करना की है। जदों तक ये समझ ये विवेक बुद्धि ये समझ नहीं साढ़े अंदर डिवेलप हो जाती उदों तक जिहड़ी गल है वह बननी नहीं है, साडा जीवन सुधर नहीं सकता। गल मन दे पद्धर की है और यही गल सतगुरु जी हुण समराइज करके अगली पौड़ी दे विच समझा रहे हैं। सतगुरु फरमा रहे हैं हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौण वजाया, वजाया वाजा पौण नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरद्वारा लाए भावनी इकना दसवां द्वार दिखाया, तै अनेक रूप नाव नवनित तिसदा अंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन वजा। हुण सतगुरु जी ने इत्थे सारा ही एक छोटी जी पौड़ी दे विच गल सारी इकट्ठी करके सानू समझा दित्ती कि भाई जेडे नौ द्वारे ने यह साडिया जो इंद्रिया हन ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਨੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦਸਵੀਂ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਓਪਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦੇਖਾ। ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ प्रेम दे नाल उहदे उत्ते अमल करके अपने जीवन दे विच धारण कर लवांगे तां सानूं समझ पै जाएगी। हुण इह गल तां दरअसल सूक्ष्म दसम द्वार दी हो रही है, इहनूं असीं नाम कोई भी दे लईए, मन दिमाग कुछ भी कह लईए, समझ कह लईए, पर इह सानूं इहदे उत्ते दसम द्वार खुल्लण दी जो अवस्था है उत्थे तां गुरु दे उपदेश उत्ते अमल करके ही असीं पहुंच सकदे। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹਨ ਨੌ ਦੁਆਰੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ
नाउ नवनिध, ये जो नवनिध है भाव ये खजाने हैं, निधि का भाव हों खजाने, ये जो बेअंत खजाने हैं तिसदा अंत न जाई पाया, ये नाम रूपी बेअंत खजाने हैं, इन्हों की प्राप्ति होएगी। यही दसम द्वार का खुला, जो नाम के खजानिया के नाल बेअंत नाम के खजानिया के नाल साडा रिश्ता जुड़ जाएगा तो यही दसम द्वार खुलना है। टेक्निकली आप यदि कोई भी व्याख्या कर ली, तो सतगुरु जी कह रहे हैं कह नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख, इस शरीर रूपी गुफा दे अंदर इस जीव नू रख के वाजा पवन वजाया, ये जीवन का साधन पवन राही इन प्राण भी कह दिता जाता है, ये वज रहे हैं साढ़े शरीर के विच, साडा जीवन चल रहा है, पर इहदा मनोरथ यही है कि असी वो नाम रूपी जो बेअंत खजाने हैं उन्होंने तक पहुंचना। हुण सतगुरु जी जो अंतलियां जो पौड़ियां हैं दो, उन्होंने विच सतगुरु जी हुण सानू उस अवस्था के नाल एक बारी फिर जोड़ रहे हैं। सतगुरु फरमा रहे हैं कि ए साचा सोहिला साचा घर गाव, गावो तो सोहिला घर साचा जिथे सदा सच त्याव है, सचो त्यावै जा तुद भावै गुरमुख जिना बुझावै, ए सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावै, कह नानक सच सोहिला सचै घर गाव। भाव इत्थे सतगुरु जी ने कहा सचो त्यावै जा तुद भावै, गुरु के रस्ते दसे रस्ते दे उत्ते भी तुरना है तो ये उहदी कृपा दे नाल ही, जां तुद भावै, जदों उहदी कृपा हो जाती है गुरमुख जिना बुझा, फिर गुरु की शरण पै के उन्होंने रस्ते की जो समझ आ जाती है कि असी किस तरह प्रभु मिलाप के रस्ते दे उत्ते इस गाडी राह उत्ते तुरना है, किस ढंग दे नाल आनंद की प्राप्ति के रस्ते उत्ते तुरना है, क्योंकि जदों उस प्रभु दे नाल जुड़ना है तो ये एक आनंद का खुशी का ये अवस्था प्राप्त होनी है। ये साचा सोहेला साचा घर गाओ, गावो तो सोहेला घर साचा, हुण इत्थे सतगुरु जी ने सानू घर साचा कह के समझा दिता कि भाई गुरु की शरण दे विच जाना है, सतसंगी जनां दे नाल बैठ के सतसंग दे विच बैठ के उस प्रभु दे गीत गाउणे हैं जिथे सदा सच त्यावे, ऐसी संगत दे विच जुड़ना है। और केड़े सोहला केड़ा है, वो खुशी दा गीत, आत्मक आनंद पैदा करन वाला गीत, सच्चे गुरु दी बाणी जिदे विच आनंद दा खजाना है उहदे नाल जुड़ना है। सतगुरु जी कह रहे हैं गुरु दी शरण पवो, गुरु बाणी दी शरण दे विच पवो, गुरु बाणी नू गाओ, उस प्रभु दे उपदेश नू प्रभु दी मेहर दे पात्र बनो, ते फिर ये रस्ते दे उत्ते चलना है। सतगुरु कह रहे हैं ये सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे, कह नानक सच सोहला सच्चे कर गा, भी ये जो सदा थिर आनंद है सच सोहेला, ये साचा सोहेला, भाव के जेड़ा ये सच्चा सोहला है भाव सदा थिर रहन वाला आनंद है, वो सत्संगत दे विच्चों प्राप्त होना है, गुरु दी मेहर नाल अकाल पुरख दी मेहर नाल प्राप्त होना है, पर ये जो आनंद दी अवस्था सोहले दी अवस्था है वो आनंद वाले गीतां दे विच हर वेले आनंद प्राप्त करन दी अवस्था है, ये सदा थिर है ते ये उत्थे ही प्राप्त होनी है, जेड़ा घर भी सदा थिर है सत्संगत दा घर। सतगुरु अंतली पौड़ी दे विच 40वीं पौड़ी दे विच जो सानू अवस्था दस रहे हैं, आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी,
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा परपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूर। तो सतगुरु कह रहे हैं कि ये जो सच्ची बाणी है सदा थिर बाणी है सतगुरु की बाणी है इहदे नाल जुड़ो। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। तो इस बाणी दे नाल जुड़ के इस बाणी दे नाल जुड़ के गुरु दे नाल जुड़ के अकाल पुरख की कृपा दे पात्र बन के सारे जिन्ने भी साढ़े दुख हन झेड़े हन तकलीफा हन वह भी सारिया पूरी होने की अवस्था में असं पहुँच जावे तो सारे मनोरथ पूरे होने की अवस्था के पहुँच जावे। दुख रोग संताप उतरे ते रस नाल भरन की अवस्था का सतगुरु जिक्र कर रहे हैं। संत साजन भये सरसे पूरे गुर तेजा। इस जीवन नू सफल करन दा जो सतगुरु जी ने अंतली पौड़ी दे विच नक्शा खिंच दिता है वह वाकई आनंद की शिखर है। क्योंकि इस तो वध भी आनंद की अवस्था किसी मनुख के जीवन दे विच हो सकती है कि जदों सगल मनोरथ पूरे भी होवे उतरे सगल विसूरे भी होवे दुख रोग संताप उतरे भी होवे संत साजन भये सरसे भी हो जावे सुनते पुनीत ते पवित्र भी हो जावे ते अनहद तुरे पाव सदा चलन वाले आनंद दे गीत आनंद दा संगीत भी अंदर वजना शुरू हो जावे। ये सतगुरु जी ने अंतम पौड़ी दे विच साडे सामने एक नक्शा खिंचया है कि भाई गुरु की शरण दे विच पवो गुरु दे उपदेश नू ग्रहण करो गुरु दे उपदेश नू ग्रहण करके अपने जीवन नू ओदे उत्ते ढालो ते फिर इस अवस्था की प्राप्ति है जो प्रभु मिलाप की अवस्था है आनंद की अवस्था है। तो सतगुरु जी कह रहे हैं कि यह उस बाणी तो प्राप्त होनी है जिहड़ी सच्ची सदा थिर रहने वाले प्रभु की सिफत सलाह की बाणी है गुरबाणी है गुरु की बाणी है उहदे नाल जुड़ के यह अवस्था प्राप्त होनी है। तो सतगुरु जी ने अंत दे विच एक बार फिर सानू यह प्रेरणा दिती है आओ सारे रल मिल के अरदास करिए कि जो अपना विचार की है की जबान नाल ही है पर जबान तक साड़ी सीमित ना रवे ये साढ़े कन्ना तक सीमित ना रवे ये साढ़े मन के उत्ते असर करे। आओ आप सारे एक दूजे लिए अरदास करिए कि सच्चे पातशाह इस बाणी दे जो आप जी ने उपदेश दिता है वो उत्ते चलन का बल उद्दम बुद्धि आप कृपा करके बख्शो समर्था बख्शो कि आप दे उपदेश उत्ते चल सकीए ते ए जीवन जो है सफल कर सकीए। ए सारी बाणी दे विचार करदे आ बहुत सारिया भुल्लां होईयां ही हन हो गईयां होणगीयां मैं नहीं कहांगा अनेकां भुल्लां होईयां आप जी कृपा करो वह बख्श लैणा पर गुरु दा उपदेश जो है वह परफेक्ट है वह सच्चा उपदेश है। जिथे किते इहदी विचार ठीक ना भी होई होवे वो आप सोध लैनी गुरु दे उपदेश नाल जुड़ना गुरु दे उपदेश नूं धारण करन दा जतन करना ते मेरे वास्ते भी अरदास करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली राग दी पवित्र बाणी आनंद जिहड़ी विचार असी अज संबोधन की है वीर प्रभ कीर्तन सिंह जी ने बड़ी मेहनत करके समुची बाणी की विचार सानू सरवण कराई। उस तो बाद बाणी की जो समरी है उहदियां विचारां साडे नाल कीतियां सत पौड़ियां की संखेप विचार समरी अज असी सरवण की है। अज की जिहड़ी विचार दे विच गुरु पातशाह जी ने गल जो साढ़े नाल सांझियां कीतियां बड़े ही भाव दे अर्थ डूंघे हन जिहड़े प्रभ कीर्तन सिंह जी ने साढ़े नाल सांझे कीते हन। जदों मनुख दे अंदर आत्मक आनंद बनता है प्रकाश उदों ही हुंदा है परमेश्वर दा
आनंद तो बिना उसका दर्शन नहीं होता, दर्शन ही आनंद है। दूजे लफ्जा गल कह सकते वाहिगुरु जी का दीदार ही आनंद है। जो ये आनंद होंदा है उदो अंदरला पवित्र हिरदा पवित्र होंदा है, कोई चिंता कोई दुख उस वेले अपना जोर नहीं पाते। पर यह आनंद हुंदा गुरु की बख्शिश नाल है, गुरु की कृपा नाल है, गुरु की शरण पैके गुरु अगों असीस लैन नाल हुंदा है। आनंद की इस परिभाषा नूं गुरु पातशाह जदों गल करदे ने कि जदों ये आनंद बनता है अखां फिर उहदे नाल लग जांदियां हन, लगड़ियां पिरियन ये खांदियां ना तिपियां। एक डखना है मारू राग विच गुरु पातशाह जी दा वी पिर जिहड़ियां अखां मेरे पिर नाल लग गईयां उन दर्शन करदियां कदी रजदियां नहीं, उन्हूं वेख के कदी नहीं कहिंदियां ना इस तों बाद नहीं वेखणा। लगड़ियां पिरियन ये खांदियां ना तिपियां तृप्तियां नहीं, हम मजाऊं सो धनी वी आ ना डिठे कोई। हुण विशाल हो गया, सोच विशाल हो गई, समझ आ गई सब विच तू ही है, सब विच तू ही है। अब मजाहू सो तरी बिया ना डिठो कोई, बिया मैंने दूसरा दूसरा हुण कोई दिसदा ही नहीं। जे तू दूसरा दिसदा ही नहीं फिर पर तन पर धन परती निंदा ये चीजा कित्थों आणगियां। जदों दूसरा दिसदा है ये चीजा उदों आउंदियां ने। निंदा कदों हुंदी है जदों बगाना नजर आउंदा है, विकार कदों जगदे ने जदों किसे दा बगाना रूप देखदा है, काम दी सोच उदों पैदा हुंदी है। निंदा चुगली तारन किसी दौलत देख के कदों बेईमान हुंदा जदों पराया समझदा है। पर जदों ये समझ आ गई ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बने आई, पर आएगी कदों मन चाओ पिया रब अगम सुनया हर मंगल गाओ सखी तेरे मंदिर बनया। मंगल बनया जो खुशी का गेड़ा बन गया जदों एक बड़े भागा नाल प्रभु मिल गया अंदर आ गया आपा उहदे नाल मिल गया फिर मन की हर आस हर खाश हर मुराद पूरी हो गई। जिहड़ा बंदा सोचता सी उही सब कुछ मिल गया। आनंद ही तां है जीवन का अंत। इस वास्ते फिर गुरु पातशाह जी अगे नाल ही कहिंदे वी शरीरा ख्याल करी तू अपने संस्कारां दा प्रेरिया होया मुड़ मुड़ के उह कर्म करता रहिंदा है, परमात्मा की याद में जुड़ उधर मुड़ उधरले पासे लग। जे तू इस परमात्मा की याद में ना लगा तो आत्मक आनंद नहीं मिलेगा, आत्मक आनंद कितों आएगा। पर जे फिर उस गल उस पौड़ी च गुरु साहब कहते जे तू गुरु की शरण में पै जाए हूँ ये आनंद का सोमा गुरु है, क्योंकि आनंद गुरु से जाड़िया है, आनंद का सोमा सतगुरु है, फिर जिंदगी विच कामयाबी हो जाती है। फिर गुरु पातशाह जी ने नेत्रां दी गल कर दिती भी जिन्ना चिर वैर भाव है जिन्ना चिर तेरे अंदर वैर विरोध है उदों तू किसी नूं दुश्मनी दी अख नाल वेखदा है कदी मित्रता दी अख नाल देखदा है। जिन्नी चिर तेरी सोच इस तों जी है मेर तेरी कैसी चीज है जिहड़ी किसी नूं दुश्मन ते किसी नूं मित्र बना दिंदी है। ते भलिया ख्याल कर जिथे मीर तेर है उथे आनंद नहीं है, जिथे मीर तेर है उथे आत्मक आनंद नहीं हो सकता। पर जदों गुरु नूं मिल के ये अखां अंतरमुखी हुंदियां हन खुलदियां हन ज्ञान दियां अखां खुल जांदियां हन फिर मीर तेर भी मुक जांदी है। हर थां ते परमात्मा ही नजर आउंदा है, हर थां ते प्यारा ही नजर आउंदा है, फिर आपा भाव मुक जांदा।
फिर अंदरों ये नहीं लगता वह बगाना है, वह मीरा है, वह तीरा है। फिर गुरु पातशाह जी गल कहते हैं भी इहो आनंद का मूल है, इहो आनंद का सोमा है जो मेर तेर मुका लेना। इतों आनंद शुरू होंगे, मेर तेर की भावना खत्म करना, आनंद की शुरुआत इतों ही होंगी है। पर जदों मनुख के अंदर अजे किसी की चुगली सुन का स्वाद ही नहीं गया, कर इस करके तो मिले नहीं सी। एक एक चीज की गल गुरु पातशाह ने हिरदर की गल की, सरवणा की गल की, शरीर की गल की, भी हाले तो तेन निंदा चुगली सुन का चस्का है। जिथे निंदा चुगली सुन का चस्का है उथे आनंद नहीं है। आत्मक आनंद की प्राप्ति सिर्फ उसनू है जिसके कन, जिसकी जबान, जिसकी जीव, जिसके सारे ज्ञान इंद्रे परमात्मा की सिर्फ सलाह मगन रहते हैं, परमात्मा की वड्याई मगन रहते हैं। आत्मक आनंद उत्थे है, उही इंद्रे पवित्र हैं जिहड़े परमेश्वर की प्रेमा भगती विच रखते हैं। उही इंद्रे पवित्र गुरु पातशाह जी ने फिर सानू गल समझा दिती। तो फिर सतगुरु जी कहिंदे भलिया देख, ये माया दे खिच करके ही तो तेनू ये ज्ञान इंद्रे, कर्म इंद्रे मनुख नू मायक पदार्थां वल भजाई रखते ने, माया दी खिच करके। रस्ता चंगा जां माड़े दी परख नहीं हुंदी, माड़ा रस्ता केड़ा है, चंगा केड़ा है, ये गल समझ नहीं आउंदी। ये जिहड़ी विवेक बुद्ध सी ये दबी जाती है इस माया दी खिच दे विच, ये दबी जाती है। जिस मनुख नू परमात्मा गुरु दे दर ते भेजता है, गुरु नाल मिला दिंदा है, सारे आनंद साहब विच गुरु की वड्याई इन्नी कीती है गुरु पातशाह जी ने कि गुरु राही आनंद मिलना, उहदे विच फिर विवेक बुद्धि जागदी है, चंगे ते माड़े परखण दी जांच उहदे अंदर आ जाती है। जदों गुरु मिलता, गुरु सिखाउंदा है गल, गुरु कौन है, गुरु शब्द। हुण साढ़े कोल गुरु शब्द सत्या है, ताकत है, रूहानियत है। इस गुरु शब्द ने ही सानू सिखाउणा है वी विवेक बुद्धि जी किवें वरतनी है, चंगे माड़े की परख किवें करनी है, शब्द सिखाउंदा। जिवें साढ़े माँ बाप सिखाउंदे ने बच्चों यह चीज़ ठीक नहीं, यह गलत है, यह गलत है, यह ठीक है, इवें साडा गुरु अपनी गोद विच बिठा के गुरु शब्द दीआं लोरियां राहीं सानू यह गल समझाउंदा है बई देख ए विचार तेरे जड़े ने इस तरह के पैदा कर, यह विचार हैं जेडे तेन आनंद तक लैके जाएंगे। भाव वो विवेक बुद्ध की जी ताकत है, सत्या है, वह जागती है कदों, जदों मनुख गुरु के दर ते जाके गुरु के अधीन हो जाता है, अपने आप को गुरु अगे सरेंडर कर दिता। फिर इहो मनुख ही उहदी याद विच जुड़दा है, तो इहो मनुखी आत्मक आनंद मान सकता है, दूजा नहीं मान सकता। जिहदी विवेक बुद्ध ने वरतों की वह आनंद तक भी नहीं पहुँच सकता। मालिक ने बुद्धि सब नूं दित्ती है, लेकिन विवेक बुद्ध की वरतों करके ही आनंद की सोमे तक पहुँचा जा सकता है। तो फिर गुरु पातशाह जी सच्चे पातशाह जी कहिंदे भी जदों मनुख परमात्मा की मेहर हुंदी है, उदो गुरु के दस्ते रस्ते ते चल के मनुख साध संगत भी टेक के परमात्मा की सिफ सलाह के गीत गाँवदा है, आत्मक आनंद मानता है। तो लक्षण की है आनंद आत्मक आनंद का पता किवें लगता है, भी जिस मनुख के अंदर आनंद आ गया ना उहदी भटकना मुक गई, मन टिकाओ विचार टिक गया, उहदे सारे चिंता झोरे भी मिट गए, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई वहम नहीं, कोई परम नहीं, कोई पखंड नहीं, कोई दुख कलेश, कोई विकार नहीं, उहदे जीवन दे विचों ये सब चीज़ा अलोप हो गई, ये चीज़ा सब अलोप हो गई। कमाल की गल है, गुरु पातशाह इन्नी गल करते, इन्नी गल समझाते भी ये आनंद की अवस्था सतगुरु की बाणी शब्द तो ही मिलनी है, ये शब्द ही मिलनी है। ख्याल ये गल करना,
अखीर ते गुरु साहब जी ने निर्णय कर दिता आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। बस आ सच्ची बाणी की गल की है, जो सच्ची बाणी की गल की इतने चिंता झोरे सारे मुट के दुख किले सारे मुक के। ये फिर कहते ने यह बाणी गाने वालों नूं सुन वालों के जीवन उच्चे सुचे हो जाते हैं, केवल बाहरों नहीं जबान तो नहीं अंदरों गा के, केवल कन्ना ना सुन के नहीं अंदर वसा के फिर शब्द के नाल जुड़ के जिहड़ी अवस्था है वह उच्ची हो जाती है। तो जदों इस अवस्था से बंदा पहुँचता है तो गुरु पातशाह जी ने सचमुच सानू आनंद की वो सीमा ते पहुँचा दिता, जिहड़ा सीमा गुरु पातशाह जी मनुख दे जीवन की मंजिल है। तो गुरु कृपा करे ये बख्शिश साढ़े ते भी हो जाए। असी दूजे लफ्जां च कह सकते हैं भी जीव नूं जन्म लेंद्या ही पहला मां बाप दे बाप मां बाप संबंधियों के प्यार की माया घेरती है, सारी उम्र यह माया के हत्थों च नचदा रहिंदा है दुखी रहिंदा है। पर जिस मनुख उत्ते परमात्मा की मेहर होंदी है गुरु मिलता है, गुरु की बाणी की बरकत नाल मनुख की यह माया की भटकना मुक जाती है, कोई दुख विकार फिर उससे अपना जोर नहीं पा सकता, हर वेले उसका मन खिड़ाव विच रहिंदा है। ये खिड़ाव विच रहना ही आनंद है, यो ही आनंद है, यो ही आनंद है। गुरु कृपा करे ये आनंद साध्या भी सारिया विच बन जाए, असी भी खिड़ाव विच जिंदगी नूं मान सकीए जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, एक बार फिर प्रभ कीर्तन सिंह जी बहुत ही कृपा की है, आप जी ने बड़े विस्तार नाल सानूं आनंद साहिब जी की बाणी की जानकारी दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर एम पी सिंह जी।